चार साल में एक बार आने वाली त्यौहार अब आ चुके हैं, यानी कि फीफा वर्ल्ड कप की इस एडिशन की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इस बार की एडिशन में ना ही कोई अच्छा थीम सॉन्ग था, ना ही एक अच्छी ओपनिंग सेरेमनी देखने के लिए। वीडियो के शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल इन्फोटास्टिक ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए। चलो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। रिकी मार्टिन से लेकर के शकीरा तक, शकीरा से लेकर के पिटबुल तक, ऐसे बड़े बड़े कलाकारों ने थीम सॉन्ग बनाई थी जो काफ़ी पैपी थी, ऑडियंसेस को अट्रैक्ट करने में बहुत मददगार साबित होती थी। लेकिन इस बार के एडिशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। थीम सॉन्ग तो थी लेकिन कुछ इम्पैक्ट नहीं कर पाए। बॉलीवुड से भी सीन एक अदाकारा को लेके गए लेकिन फिर भी उनका जो थीम सॉन्ग था वो फीकी पड़ गई और ऑडियंस के मनों में इम्पैक्ट नहीं कर रही। पर ओपनिंग सेरेमनी तो ठीक होनी चाहिए थी ना, वो भी बहुत फीकी साबित हुई और वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रख पाई। टूर्नामेंट की शुरुआत काफ़ी हाई स्कोरिंग गेम्स के साथ हुई लेकिन कल का मैच बहुत दिलचस्प रहा। एक लोअर रैंकिंग टीम ने एक हायर रैंकिंग टीम को हरा दिया। जी हाँ, मैं अर्जेंटीना की अपसेट के बारे में बात कर रहा हूँ। अर्जेंटीना को सऊदी अरेबिया ने 2 गोल से हरा दिया। मैच के शुरुआत में ही अर्जेंटीना काफ़ी आराम से और रिलैक्स तरीके से खेल रही थी। उसके बाद में मेसी ने प्रयत्न किया और उनको पेनल्टी मिला, पहला गोल हुआ। रिलैक्स मोड से ही अपनी गाड़ी चला रहे थे लेकिन सऊदी अरेबिया ने 1 गोल करके इक्वलाइज कर दिया। हाफ टाइम के बाद में वो रिलैक्स मोड फिर भी चलता रहा अर्जेंटीना की टीम की ओर से। सऊदी अरेबिया ने दूसरा गोल दाग दिया। इसके बाद में अर्जेंटीना की टीम काफ़ी हड़बड़ी और गड़बड़ी से खेलने लगी। ये हड़बड़ी और गड़बड़ी की गेम वो 90 मिनट तक चलाते रहे और दूसरा इक्वलाइजिंग गोल भी नहीं आ पाया। मैच से यही सबक मिलता है कि किसी को भी हल्के में ना लिया जाए। वर्ल्ड कप की और भी दिलचस्प बातें आपके सामने रखूँगा। मेरे अगले वीडियो तक आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल इन्फोटास्टिक ग्रुप का। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।